तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ लोरियल पेरिस रिवाइटिलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस की। दोस्तों इस एसेंस को जब आप पहली बार अपने चेहरे पर लगाओगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि लोरियल पेरिस ने कितना अच्छा एसेंस बनाया है। तो दोस्तों रिवाइटिलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस को ब्राइट एंड क्रिस्टल क्लियर स्किन के लिए बनाया गया है, जिसे माइक्रोनाइज टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जो स्किन लेयर्स में एकदम डीपली जाकर डेड स्किन सेल्स को रिन्यूअल करता है, स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, स्किन लाइटनिंग करता है, स्किन ब्राइटनिंग करता है तथा एक्ने पिंपल्स में इंस्टेंटली राहत पहुंचाता है और सही मायनों में ये स्किन को यूथफुल एंड रेडिएंट बनाता है। वहीं दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से सैलिसिलिक एसिड एंड सेंटेला एसियाटिका का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा भी इसमें अदर केमिकल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसे इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एसेंस बिल्कुल वाटर की तरह रहता है, ये बिल्कुल पानी की तरह रहता है, जिसे स्किन में लगाकर हल्का सा मसाज करेंगे तो ये एसेंस एकदम रैपिडली स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है और स्किन को इमीडिएटली हाइड्रेट, सॉफ्टर, स्मूथर, मॉइस्चराइज एंड रिफ्रेश फील कराता है। दोस्तों इस एसेंस को लगाने के 5 से 10 मिनट बाद ही डल स्किन में इमीडिएटली निखार सी आ जाती है, स्किन रेडिएंट दिखती है। अगर स्किन में एक्ने पिंपल्स हो रखे हैं तो वो सिकुड़ने लगते हैं और अगर आपकी स्किन कुछ ज्यादा ही ऑयली रहती है तो इसके 5 से 6 दिन के रेगुलर इस्तेमाल से ऑयली स्किन की प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाती है तथा स्किन ऑयल फ्री, एक्ने फ्री, मॉइस्चराइज, क्लियर एंड रेडिएंट बनती है। दोस्तों इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए इसे दिन में 2 बार यूज करना चाहिए, एक तो मॉर्निंग में और एक नाइट में सोने से पहले। दोस्तों मुझे लोरियल पेरिस की ये रिवाइटिलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस बहुत अच्छी लगी है। पहले मुझे लगता था कि ये प्रोडक्ट किसी काम की नहीं होगी, लेकिन जब मैंने इसे यूज किया तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस एसेंस के साथ और मुझे लगता है कि ये एसेंस ऑयली एंड एक्ने पिंपल्स वालों के लिए बेहद ही अच्छी रहेगी। और जिसकी स्किन डल है, चेहरे पर किसी भी तरह का ग्लो या चमक ना के बराबर है, त्वचा बेजान व रफ दिखता हो, तो ऐसे लोगों को चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये एसेंस एक बार जरूर ट्राई करके देखना चाहिए, जिसके रिजल्ट 2 से 3 दिनों में ही चेहरे पर साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों जब ये एसेंस आप पहली बार अपने फेस पर लगाते हैं तो लगाने के कुछ ही सेकंड बाद स्किन एकदम फ्रेश एंड यूथफुल बन जाती है, जो इस एसेंस की सबसे अच्छी बात है। दोस्तों इसके रेगुलर इस्तेमाल से डार्क स्पॉट लाइटिन होता है। अगर आपको चेहरे पर बार बार पिंपल्स की समस्या होती है तो इसके इस्तेमाल से पिंपल्स की समस्या सॉल्व हो जाती है, स्किन में ग्लो आता है। सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर ही चेहरा पहले से ज्यादा ग्लोइंग एंड आकर्षक बन जाता है। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है ये एसेंस आपको 100% पसंद आएगा। ये लोरियल पेरिस का प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है, जिसे एक बार जरूर ट्राई करें, जो आपको ऑनलाइन Amazon या Flipkart पर मिल जाएगा, जिसकी बाइंग लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक करें। थैंक यू।